बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू दी साइंस क्लास सिक्स्थ। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 168। ओपन योर बुक पेज नंबर 168 एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक व्हिच इज लिक्विड्स फ्रॉम सॉल्यूशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, How can we separate a liquids from solutions? First we read it. Evaporating, a solution leaves the solid behind, but the liquid solvent is lost to the surrounding air. However, it is possible to collect the liquid. तो हमारा टॉपिक क्या था? लिक्विड्स फ्रॉम सॉल्यूशंस। एक लिक्विड को हम सॉल्यूशंस में से किस तरह अलग कर सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक लिक्विड जो है उसको हम सॉल्यूशन में से किस तरह अलग कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम इंक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम इंक। इंक इज मेड फ्रॉम इंक पाउडर डिजॉल्व इन वाटर। The diagram shows the apparatus that can be used in the laboratory to produce pure water from some ink. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं। The ink is gently heated until it boils. Steam leaves the flask and passes into the test tube where it is cooled. The steam condenses and is collected as pure water. The water is called as a distillate and the whole process is called distillation. तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कह रहे हैं फ्लास्क, और ये टेस्ट ट्यूब है, इस स्ट्रक्चर, ये जो आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, और ये जो कंटेनर है हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कंटेनर। हम उसे कहेंगे ये बीकर है, इसमें कोल्ड वाटर आप देख रहे हैं, ये जो है वो बीकर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फ्लास्क में देख रहे हैं इंक है, इसमें आप इंक देख रहे हैं, वो हीट करेंगे। जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड स्टीम फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये एवापोरेट हो जाएगी, फिर ये उस टेस्ट ट्यूब से जाएगी, टेस्ट ट्यूब से ये जाएगी स्टीम के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इस बीकर में सॉल्यूशन मौजूद है जिसमें लिखा है कोल्ड वाटर, जिसमें लिखा है कोल्ड वाटर। अब टेस्ट ट्यूब में हमने ठंडे पानी आइस कोल्ड में डिप किया। बाय टू मेक अ प्रोसेस अंडरगो, ये जो प्रोसेस है वो क्या है? कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस हम पढ़ने क्या है वो कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? द इंक इज जेंटली हीटेड अंटिल इट बॉइल्स। इनको हम हीट दे रहे हैं, इनको, और हीट देने की वजह से बॉयल करेंगे। जब वो बॉयल करेगी वो इवापोरेट होगी, स्टीम में कन्वर्ट होता है, होना शुरू करेंगी स्टीम में, ये कन्वर्ट होना फिर शुरू करेंगी। Now, steam leaves the flask and passes into the test tube where it is cooled. तो ये steam जो है वो pass कर रही है red pipe से towards the test tube, ये travel करेगी। यहाँ पे आप देखा steam जो है वो pass कर रही है, travel कर रही है किसमें, फिर ये आएगी container में जिसको हम beaker कह रहे हैं। तो जो steam है हमारी test tube के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमारी स्टीम है वो कलेक्ट हो रही है जिसको हम कूल डाउन करेंगे। द स्टीम कंडेंसेस एंड इज कलेक्टेड एज अ प्योर वाटर। तो ये जो स्टीम है वो कंडेंस कर जाएगी और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कंडेंसेशन है क्या? द कन्वर्जन ऑफ गैसेज ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। द वाटर इज कॉल्ड द डिस्टिलेट। यहाँ जो एंड में वाटर कलेक्ट हो रहा है, यहाँ जो एंड में वाटर कलेक्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम? डिस्टिलेट। एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, द एक्शन ऑफ प्योरिंग ऑफ लिक्विड। यहाँ पे हमने पानी को प्योरीफाई किया है, वो इस तरह हमारे पास इनिशियली इंक मौजूद है, यहाँ पे इंक जो मौजूद थी वो फ्लास्क जो है टेस्ट ट्यूब में से किस में गई? कंटेनर में, बीकर में। तो हमारे पास इनिशियली इंक मौजूद है, हमने उसे मिक्सचर में से प्योर वाटर को बाहर निकाला,
प्योर वाटर को हमने बाहर निकाला, हमने वाटर को प्योरीफाई किया है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग। वाटर प्योरीफाइड इन दिस वे इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। वाटर जो प्योरीफाई इस प्रोसेस में हुआ उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टिल्ड वाटर। इट इज़ यूज एज अ कार, बैटरीज, स्टीम्स, आयरन एंड लेबोरेटरीज। तो इसका जो यूज है, जो डिस्टिल्ड वाटर हमने बनाया, वो किस किस में यूज़ होता है? यहाँ पे लिखा है बैटरीज में, कार्स में, स्टीम्स, आयरन एंड लेबोरेटरीज में इसका यूजेज बॉइलिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल ऑफ द स्टीम इज कंडेंस्ड वाटर, सम ऑफ इट एस्केप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अ मोर इफिशंट मेथड ऑफ द डिस्टिलिंग इज टू यूज ऑफ अ कंडेंसर। तो एंड में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एंड में जो वाटर कलेक्ट हुआ, अगर हम उसे मेयर करें तो वॉल्यूम जो है एंड में आया है डिस्टिल्ड वाटर का, तो वो कम है एज कम्पेयर टू द इनिशियल मिक्सचर। इसका मतलब हमारा कुछ सॉल्वेंट जो है, पानी जो है, वो वेस्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ कंडेंसर। तो यहाँ पे हमने मशीन को यूज़ किया, यूज़ करें तो जो भी सॉल्वेंट है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, और उस कंडेंसर के अंदर वो वेपर्स से लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होंगे। हमें 100% वॉल्यूम अपने सॉल्वेंट में मिल सकता है इसका। तो ये जो प्रोसेस है सारा, वो हमने लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशंस जो है वो सेपरेट किया, लिक्विड्स फ्रॉम द सॉल्यूशंस। यहाँ जो आज का लेक्चर आपका यहाँ तक के कंप्लीट। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे यूज अ कंडेंसर टू डिस्टिल अल्कोहल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ये हम कंप्लीट करेंगे। फिर आज आपका जो होमवर्क है वो हम पीछे से रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो है चैप्टर नंबर 7 से, जो कि है फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स। फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स चैप्टर नंबर जो 7 है उसका पहला लेसन आपको याद करना है और मुझे वॉइस नोट पे बताना है। हम पीछे से रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों को सब कुछ याद हो। तो चैप्टर नंबर 7 है, उसका पहला लेसन आपको याद करना है और मुझे वॉइस नोट पे व्हाट्सएप पे बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।